हमेशा की तरह मैं लेट होते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, बहुत दिन बाद आ रहा आज मैं व्लॉग में। ऐसा लग रहा है सदियों से मेरा कंटेंट नहीं बना है। तो मैं मुझे कुछ देना पड़ेगा मेरे ब्लॉग्स में आने के लिए। हैं, देना हाँ, पड़ेगा। हजार रुपए महीना दे सकता हूँ। क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हजार रुपए ब्लॉग दोगे तो कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं लेने वाली मैं तुम्हें। देख लो। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 9 और हमेशा की तरह लेट होते हुए मैं कर रही हूँ व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और काफ़ी जल्दी का अपॉइंटमेंट मुझे मिला है जिसका कोई आइडिया नहीं था हम लोगों को। 9 बजे का था ना ऐसे, तो 9 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और अब निकले हैं हम लोग घर से, मैं मायके आई हुई हूँ, तो मुक्की मुझे लेने आए थे, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और आज ना मेरा लेवल 2 का जो है अल्ट्रासाउंड होने वाला है, और जब जब अल्ट्रासाउंड होता है ना तो मुक्की को बड़ा वो होता है कि मैं देख नहीं पाता हूँ। अब तो मैंने होप ही छोड़ दिया, मैंने कहा अब तो मैं फाइनल रिजल्ट देखूंगा। फाइनल देखो गया तो मुकी को होता है कि मेरे को भी अंदर बुलाया और मैं भी देख पाऊँ, ऐसे लाइव जब वो दिखाते हैं, हार्ट बीट सुनाते हैं बच्चे की और मॉनिटर में ऐसे बेबी दिख रहा होता है, तो मुकी को वो एक्सपीरियंस चाहिए बट वो मिल ही नहीं पाता है, तो मुकी थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो आज है लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड और अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा, देन मैं अपनी गायनी से मिलूंगी, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाऊंगी। अगर आज अल्ट्रासाउंड टाइम पे हो जाता है तो गायनी के पास भी चले जाएंगे, वरना कल जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी जो गायनी है वो 2 बजे तक ही बैठती है। और अभी इतनी जल्दीबाजी में आई हूँ ना, मैं ब्लॉग भी स्टार्ट किया तो सांस फूल रही है मेरी। तो अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, आने के बाद मैं आपको बताऊँगी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए होता है, कब करवाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, जो जो चीज़ें मुझे पता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस भगवान से मैं ये दुआ कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से नॉर्मल मेरी रिपोर्ट्स आए और जल्दी से हमारा नंबर भी आ जाए, है ना। और बाकी रिपोर्ट्स तो सही आएंगी क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मेरा मास्क कहाँ गया? मेरे बैग में, मैंने ना परमानेंट बैग में अपने मास्क रखे हुए हैं, ताकि मैं अभी क्योंकि इतना ज़्यादा हॉस्पिटल जाना वाना होता है मेरा, मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं अभी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, तो मैं बस मास्क लगा के रखती हूँ। और ये लड़का इतनी ज़्यादा स्पीड में चला रहा है ना अब गाड़ी, भाई 2 लोग और बैठे हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है, तीसरे का भी नहीं है। सिर्फ गाड़ी का है। मैं 20 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ और लग ही नहीं रहा कि मैं 20 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। और मैं 36 वीक प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज यार मुखी, मेरा पहले से ही चल रहा था मामला। माना तो मैं सिर्फ सिम्टम्स है, तुमने बेबी कैरी नहीं किया है, बेबी कैरी किया तो पता चलता मेरी शक्ल कितनी बैंड बजी हुई है, मतलब कोई अभी प्रेगनेंसी ग्लो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो आप मेरी शक्ल। और आजकल गर्मी आ गई, सुबह उठते ही मेरे मुँह में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई होती है ना, आई थिंक वो फ़ैन की वजह से। और गर्मियाँ आते ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी ऐसी आइज़ जो होती है ऐसी पफ़ी आइज़ हो रखी होती है, पूरे मुंह में स्वेलिंग होती है, बट दिन तक आते आते वो ठीक हो जाता है। अभी भी वैसा ही लग रहा होगा मेरा फेस, है ना। देखते हैं अभी प्रेगनेंसी ग्लो कब आएगा, मैं तो वेट कर रही हूँ उस चीज़ का। फ़िलहाल तो बस ऐसे ही शक्ल हो रखी, कमज़ोरी ज़्यादा है क्योंकि वॉमिटिंग ही मेरी ठीक नहीं हो रही है, अभी वॉमिटिंग की दवाई चल रही है मेरी ऐसी कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, जब से मैं मायके आई थी तो मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग अपडेट नहीं किया था, वो इस वजह से क्योंकि जब से मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ था मैं यहाँ आ गई थी मायके में, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले से, और फिर यहाँ आने के बाद ख़राब ही रही मेरी तबीयत और कोई भी सुधार नहीं था। मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रहा था, एंटीबायोटिक्स मेरी चल रही थी लेकिन कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे नमूनिया की दिक्कत है तो शायद नमूनिया बिगड़ ना गया हो, एंटीबायोटिक्स से कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने फिजिशियन चेंज किया और मतलब मेरी जो हालत है वो क्रिटिकली होती जा रही थी, इनफैक्ट मैं एक बार एमरजेंसी में एडमिट भी हुई हूँ हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ पे जो नया फिजिशियन था उन्होंने मुझे बताया कि आपको COPD है, मुझे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें ये होता है कि आपको किसी कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है तो उन चीज़ों से बच के रहना, मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा, और उन्होंने फिर मुझे इनहेलर भी दिया है अभी यूज़ करने के लिए,
तो अभी जब से मैं इनहेलर वगैरह यूज़ कर रही हूँ तो अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं उसके बाद से। जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नौशिया और वॉमिटिंग था, और सब लोग मुझे कह रहे थे, मेरे आसपास के लोग और जितनी भी मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, तो सब लोग कहते थे कि जब 3 मंथ आपका एंड हो जाएगा उसके बाद ही नौशिया वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब नौशिया तो काफ़ी हद तक मतलब जैसे 100% था तो 50% हो गया था, लेकिन जो मेरी वॉमिटिंग थी वो कंटिन्यू ही हो रही थी और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी बाद में कि मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे वॉमिटिंग हो ही रही थी, तो कुछ भी नहीं लग रहा था शरीर में, ऐसा लग रहा था खाना खा रही हूँ और बाहर ही निकल रहा है वो। तो उस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो कम हो गया था। 4 kg किया था ना मैंने कम, सो मैंने 4 kg अपना वेट लॉस किया। और इस बीच बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो कुछ भी करने का मन नहीं करता था, पूरा पूरा दिन मैं बिस्तर में लेटी रहती थी और दवाइयाँ चल रही थी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नींद भी आती थी। और प्रेगनेंसी में तो वैसे भी हार्मोन्स इम्बेलेंस होते थे, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है वैसे भी, तो कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया। जो मतलब मुझे जब लग रहा था कि प्रेगनेंसी अब मेरी अच्छी जाएगी, 3rd month मेरा एंड हुआ, 4th स्टार्ट हुआ, लेकिन जो मेरा 4th मंथ था ना, मैं सच बता रही हूँ अब तक मतलब सबसे वर्स्ट मेरा फेस वही था 4th month वाला, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो बस अभी 4th month मेरा एंड हुआ है, 20 weeks स्टार्ट हो गया है, आज मेरा level 2 का अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो अभी बस हम लोग उसके लिए जा रहे हैं। बाकी बातें करूँगी आने के बाद, आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। सो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल, और हमेशा की तरह मुक्की हर हॉस्पिटल विजिट में मेरे साथ गया है, सिवाय 1 या 2 के जब मैं अपने मायके में थी तो मैं मम्मी या अपनी बहन के साथ गई थी। सो अगर आप एक मेल हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आप अपनी वाइफ के साथ हमेशा हॉस्पिटल विजिट करें, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है क्योंकि आप दोनों ही पेरेंट बनने वाले हैं। 1 घंटा हम लोग हॉस्पिटल में वेट किया है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा रश है और मेरा level 2 का अल्ट्रासाउंड होना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब आधा या 40 मिनट तो लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप आराम से आना, अभी आप घर चले जाओ, शाम को आना। सुबह मुझे तरबूज लें, सुबह इतनी जल्दी जल्दी से मैं आई हूँ ना ब्रेकफास्ट करके हबड़ दबड़ में, अभी मुझे तरबूज वाले भैया दिख गए तो देखते हैं तरबूज। वो देखो मैं तरबूज लेके आ गई, और ये मेरे सीज़न के पहले तरबूज होने वाले हैं। पिछले साल मैंने इतने ज़्यादा तरबूज खाए थे ना, मुझे बहुत पसंद है। भैया कह रहे थे खरबूजा ले ले, मुझे ना खरबूजे की स्मेल आती है, मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चलते हैं सीधा घर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मुक्की को मैंने सुबह सुबह 7 बजे उठा दिया था, बेचारा जल्दी जल्दी आया था मेरे लिए। अब तुम घर जाके सो जाना, आराम करना, और मैं क्या करूँगा, मैं तरबूज खाऊँगा। मैं आके सो गई थी, नींद आ रही है मुझे, और मेरे साथ कभी कभी होता है बहुत नींद आती है, कभी इतनी नींद आती है दिन में और रात को नींद ही नहीं आती है। ये होते प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। हमारा हॉस्पिटल का काम निपट चुका है, और फिर उसके बाद मुझे मार्केट में भी काम था, वो भी निपट चुका है। सब कुछ आधे घंटे में हो गया है, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा लेट लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे सब कुछ दिखाया, बोला सर दिख रहा है, हार्ट बीट दिख रही है, ये देखो नानी, ये दिमाग, ये देखो ये दिख रहा, ये 2 आँखें, सर ही लग रहा मुझे तो, ये वाला पोर्शन है, ये बच्चा है। हाँ नानी, इसमें आज जो अल्ट्रासाउंड हुआ ना, उसमें वो सारी चीजें दिखाते हैं। अच्छा। बच्चे की रीढ़ की हड्डी, पाँव, दोनों पाँव, हाथ, मुंह, नाक, मतलब बना ली। मैं शुभी का दिखाऊंगी आपका, शुभी का तो पाँव और शुभी का मुंह उठाओ, वो पहले मेरे पहले वाले अल्ट्रासाउंड में पाउट बना रखा है इसने तो अंदर दिखाने की। इस लड़के को मैंने दिखाई नहीं, सब दिखा यही है नया। हाँ जी मम्मी, ये स्पाइनल तो कह रही थी। पूरी ऐसी दिख रही थी। ये क्या मुंडी है? क्या बोला तूने? मुंडी का क्या मतलब होता है? हेड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शुगा ये देखो, ये देखो नया बेबी की फोटो देखो,
छोटे बेबी की फोटो। क्या कर रहे हो ये? अरे चुप, ऐसे दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो छोटे बेबी की फोटो देखो। अरे वाह शुगर तो देख रहा है भाई। अरे वाह हाँ खुश हो रहा है, खुश हो रहे हो बेटा। कल डॉक्टर को दिखानी है, फाड़ मत देना बस। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। सब रिपोर्ट्स मेरी आ गई हैं, ये देखिए मेरी मेरी रिपोर्ट्स। और यहाँ पे सारी फोटोज़ हैं बेबी की। हेड डाउन पोजीशन में बोलो बच्चा भी। हाथ हाई, हाथ दिखा रखा है, पाँव, हार्ट बीट भी दिखाई, सर दिखाया, पाँव की उंगलियाँ, हाथ की उंगलियाँ सब चेक करवाते ना। ये थी ग्रीस में ऐसे ही। यहाँ पे मुँह है, इसमें भी अच्छी भी है। राम ये आँख आँख है क्या? हाँ ये देख निशान लगा रखे हैं वहाँ पे। हाँ उधर दिख रहा है, ये हड्डी दिख रही है रीढ़ी। अच्छा मतलब उन्होंने जो जो देखा है सो उसके ही बोली है उन्होंने। The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट्स नेक्स्ट डे और मैं अभी हो रही हूँ रेडी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मुझे आज अपनी गायनी को अपनी कल की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखानी है। बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। कल भी मैं व्लॉग शूट नहीं करवाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं सो गई सबको रिपोर्ट दिखाने के बाद। तो आज नया दिन और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आज ना मुझे अपने एक फ्रेंड के बेबी के लिए तो मुझे जो पसंद आएगा वो लूँगी। तो मैंने सोचा कि बेबी से मिल के आती हूँ और उसको कुछ गिफ्ट भी दे देती हूँ, क्योंकि मैं उससे अभी तक मिली नहीं हूँ। तो वो शुभी से बस 15 ही दिन बड़ा है, तो आज जाती हूँ मिल के आती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं अपने घर चली जाऊँगी वापस। तो मैंने सोचा जब तक यहाँ पर उससे एक बार मिल के आ जाती हूँ। तो बस अभी रेडी होती हूँ फटाफट से और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। सो ये है मेरा हॉस्पिटल कार्ड। जब भी मैं विज़िट करती हूँ तो मुझे ये शो करना पड़ता है। इसमें मेरी पेशेंट आईडी नंबर है और बाकी की जितनी भी रिपोर्ट्स और डिटेल्स होती है वो डॉक्टर के पास ही रहती है। यहाँ पे हम लगे हैं मेडिसिन की लाइन में और आज मेरा सेकेंड डोज ऑफ टिटनेस मुझे लगने वाला है। फर्स्ट डोज मुझे लग चुकी थी और उसके बाद 4 वीक्स के बाद आपको सेकेंड डोज लगती है। और टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है वो लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में, तो मेक श्योर कीजिएगा आपको लगा है। और यहाँ पे मेरा आज CBC टेस्ट भी होने वाला है। मिल जाएगा बड़ा ये तो सुबह पे आया ना। सुबह ना दो दिन ना करना है, सुबह दिन ले रहा हूँ मैं, तो फिर सुबह दिन ले रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा सुबह आ जाएगा इसमें। चलते सीधा घर। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका है और मैं जस्ट अभी उठी हूँ सो के, और आप मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा विजिबल है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आती। तो अभी हम जा रहे हैं बेबी से मिलने के लिए और ये मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया था। मुझे कोई टॉयज़ वगैरह तो पसंद नहीं आते तो मैंने कपड़े लिए उसके लिए। तो अभी चलते हैं बेबी से मिलने। मुके आ जाओ। मुके को भी बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे बेबी को देखना है, तो आज मुके भी जा रहा है मेरे साथ। मम्मी पहले से चली गई है और बस हम दोनों जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ इनका पहला बच्चा है जो मुक्की को देख के रोया नहीं, वरना सारे बच्चे रोते हैं, है ना। अब गुड बॉय हो आप, नहीं रोए। मुक्की कह रहा है उसके गालों में ब्लश लगा है, वो देखो खुद डाल रहा है। मुक्की ने सोचा रोएगा इसे निकाल के, निकाला ना नहीं रो रहा है, स्माइल कर रहा है। स्माइल कर रहे थे आप जैसा वो बैठ रहा था। हाँ दीक्षु भी बैठ गया था। मतलब लड़कियाँ तुम्हें पसंद नहीं करती मुक्की, सुबी हमारी पसंद नहीं करती तुम्हें, लड़के पसंद करते हैं। दीक्षु भी बैठ गया तुम्हारे, वो भी स्माइल कर रहा है। स्माइल कर रहा है आपको देख के कर रहा हूँ। वासु वासु कुछ हो गया, वो मामू ही समझ रहा अपना, कुछ हो गया चुप बैठा है। ये हम क्यों नहीं दे रहे सुबी, अब देंगे। फ्रेंड्स ये है मेरी लेवल 2 स्कैन का रिपोर्ट। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये स्कैन क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है और ये इम्पोर्टेंट होता भी है कि नहीं, सारी डिटेल्स मैंने कहा था मैं आपसे शेयर करूंगी। बट ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ लेवल 2 स्कैन के बारे में डिटेल्स शेयर करूंगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइज़।